खबर आ रही है पाली के सोजत से, जहां निर्जला ग्यारस पर्व पर उद्योगपति प्रकाश सिंह कछवाहा की ओर से गायों के लिए 100 से अधिक टैंकियां बनवाई गई। सोजत सिटी के शिवाजी सर्किल पर लोक अभियोजक गजेंद्र सोनी और पार्षद सुनीता सोनी के हाथों गौ भक्त मंडल को इसको सुपुर्द किया गया। और इसी के साथ ही आज दिन भर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन भी हुए। क्या रहा यह पूरा आयोजन, इसको बताने के लिए पाली से हमारे संवाददाता लक्ष्मी नारायण माली हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। लक्ष्मी जी, सुन पा रहे हैं मुझे? ग्यारस कही जाती है। नौजला का मतलब होता है बिना पानी ग्रहण किए, बिना अन्न ग्रहण किए महिला है वो व्रत रखती है, और जो विशेष करके बाबा रामदेव के मंदिर पर पहुंचती है वहां पर है जो पानी के मटके रखे जाते हैं या पीने का लोटा रखा जाता है। मतलब उसकी एक धारणा है कि लोगों को पानी मिले तपती गर्मी में, उससे लोगों को राहत मिल सके। जो लोग है सार्वजनिक पशुओं के लिए ओवाड़े रहते हैं उनको भरने की भी व्यवस्था की जाती है। और सबसे बड़ी इस त्योहार की एक धारणा है कि जो बड़े बुजुर्ग है वो अपनी बेटियों के या अपने जो छोटे हैं उनके यहाँ आम का फल भेजा जाता है, उनकी तरफ से आम का फल वितरित किया जाता है। इस तरह से ये पूरा जो है पर्व आज मनाया जाता है। इस पर्व की लंबे समय से जो लोग इसके जानकार उनको आशंका रहती है कि भाई कब ये आएगा, कब हम इस तरह से काम करेंगे, कब लोगों को पानी पिलाएंगे, कब मतलब धार्मिक जो भावना से जुड़ा हुआ यदि इस त्योहार को कहा जाए तो ये नौजला ग्यारस कही जाती है। तो हम आज जो बात कर रहे हैं हमारे क्षेत्र के सबसे बड़े उद्योगपति जिसकी हम अभी तस्वीर दिखा रहे थे, शिवजीत सिंह जी कछवा जो इस क्षेत्र के बड़े उद्योगपति रहे, उन्होंने इस पूरे क्षेत्र का विकास किया है, उनके कई यहाँ उदाहरण है। उनके पुत्र प्रकाश सिंह जी कछवा के द्वारा इस बार एक अनोखी पहल की गई है, सीमेंट की टंकियां बनाई गई है वो करीबन 1 लाख रुपए से ज्यादा की है, उन टंकियों का वितरण करना है और उसकी जिम्मेदारी दी गई है। हमारे साथ में जो अपर लोक अभियोजक है गजेंद्र सोनी जी उनको और उनकी धर्मपत्नी जो सोजत नगर पालिका से पार्षद है उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, और उन्होंने ये आज कारगर कदम उठाया है और सोजत में आज 25 टंकियों का वितरण जो यहाँ के गौपुत्र सेवा मंडल है सेना के जो लोग हैं उनको दी गई है, और वो लोग अब अपने हिसाब से सोजत कस्बे में आसपास में जहां भी पानी की माकूल व्यवस्था होगी ताकि गाय है या अन्य पशु है उनको पानी मिल सके। हमारे साथ पार्षद सुनीता सोनी है, हम उनसे बात करना चाहेंगे आपकी नजर में किस तरह से इस त्योहार को मान रहे हैं, किस तरह से जो आज उद्योगपति प्रकाश सिंह कछवा ने जो कारगर कदम उठाया उसकी सराहना करना चाहेंगे। आज निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर हमारे समाज सेवी सोजत लाइन कंपनी के प्रकाश सिंह जी कछवा के द्वारा गायों के पीने के पानी के लिए सीमेंट की टंकियां दी जा रही है गोपुत्रों को, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है और जब इंसान को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है तो गायों की और जानवरों की क्या दशा हो रही होगी, यह तो समझने वाली बात है कि उनकी पीड़ा को कौन समझे। इसलिए हम उन्हें पानी के लिए आप देख सकते हैं जिस तरह से जो है कहीं ना कहीं जो भमाशा है वो लोग आगे आ रहे हैं, और अब जो इस तरह से जो आपको बता दें हम सबसे बड़ी बात करेंगे पाली जिले का नाम आज विश्व में है, क्योंकि विश्व में कहीं ऐसी पानी की समस्या नहीं है जहां ट्रेन के द्वारा पानी आ जाए, मगर पाली में है जो गत वर्ष बारिश नहीं हुई यहाँ का मुख्य जल स्रोत जवाई बांध है वो भी खाली हो चुका है और पानी है वो पीने के लिए जोधपुर से आ रहा है, और अब सभी की निगाह है जो आषाढ़ माह पे टिकी हुई है, मगर जो अब जेठ माह निकालना है वो किस तरह से निकलेगा, और पशुओं के लिए इसमें जो भमाशा आगे आ रहे हैं उनके बारे में हमारे साथ जो इस पूरी कमान संभाल रहे हैं
200 से भी ज्यादा टंकिया वितरण करने का लक्ष्य लेकर हमारे साथ है अपर लोक अभियोजक गजेंद्र सोनी, उनसे जानना चाहेंगे कि वो इसको किस तरह से देख रहे हैं और क्या रिजल्ट रहेगा इस बार। ईश्वर की कृपा पाली जिले पे कम रही है, जिसके कारण से पाली जिले का सबसे बड़ा पेयजल का स्रोत जवई बांध जो बिल्कुल सूख चुका है और पूरे जिले में पानी की त्राई त्राई मान मची हुई है। पाली शहर और अन्य क्षेत्रों को जोधपुर से ट्रेन के द्वारा पानी दिया जा रहा है। सोजत शहर और सोजत क्षेत्र के लिए स्थानीय नलकूपों द्वारा पानी का संग्रहण कर पानी दिया जा रहा है। इस भीषण गर्मी में विकट परिस्थिति में मुख पशुओं पक्षियों के लिए बहुत भारी पानी की किल्लत का सामना हमको देखने को मिल रहा है। मुझे जो डॉक्टरों ने बताया है कि जो गायें हैं जो जानवर हैं वो प्यास के कारण मर रहे हैं। हाल ही कुछ दिनों पूर्व सोजत के गौ सेना पुत्र द्वारा एक शाम गौ माता के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया था। उस भजन संध्या में शिवजी सिंह जी जो उद्योगपति और भामाशाह रहे हैं उनके पुत्र श्री प्रकाश सिंह जी कछुआ द्वारा मुख्य पशुओं और गायों और जानवरों के लिए पेयजल की व्यवस्था के लिए 1,00,000 रुपए की उस कार्यक्रम में घोषणा की थी। उसकी क्रियान्विति को लेकर आज चूंकि निर्जला एग्यारस है, आज सबसे बड़ा दिन है कि किस तरीके से इस दिन को इस धार्मिक पर्व को कैसे मनाया जाए उसको लेकर के आज हमने जो टंकिया जो बन के आई है, मैं इस टंकियों के बारे में भी थोड़ा बताना चाहूंगा कि पूर्व में ये टंकी है जो लोगों के घरों में काम आती थी सिंटेक्स की और प्लास्टिक की टंकी आने के बाद में इनका महत्व तो खत्म हो गया है। अब ये टंकियां येदा कदा ब्यावर और के क्षेत्र में वहां कुछ लोग इसको एक सेवा के रूप में बनाते हैं और इसमें उल्टा होकर प्लास्टर किया जाता है तो एक दिन में केवल एक टंकी बनती है। तो जैसे जैसे टंकियां बनती आएगी वैसे वैसे हम टंकियां हमारे पास आएगी, हम उन टंकियों को शहर के मुख्य चौराहों पे मुख्य जगहों पे रखकर उनको रोज नियमित रूप से पानी से भरवाएंगे ताकि गायों को पशुओं को जानवरों को पीने के लिए पानी मिल सके और उसके अभाव में उनकी मृत्यु नहीं हो सके। इस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। अभी 100 से ज्यादा टंकियां हमने मंगवाई है और 100 से ज्यादा टंकियां हम अगले कुछ दिनों में, चूंकि उसको निर्मित होने में टाइम लग रहा है, मतलब हम इस माह में कम से कम छोटे शहर और आसपास के क्षेत्र में प्रत्येक चौराहे प्रत्येक गली पे ये टंकी रखी जाएगी और उसको भरा जाएगा और मुख्य पशुओं को पानी और गाय माता को पानी पीने के लिए जो गौ सेना पुत्र सोजत द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उनकी सराहना मैं करना यहाँ नहीं चुकूंगा। और इस आज के इस दिन को जो एक बहुत बड़ा धार्मिक दिन है और जहाँ गाय माता की बात है उसको लेकर के इस आयोजन को आज ये किया जा रहा है ताकि ये गौ सेना पुत्र को टंकियां समर्पित की जा रही है और वो जो है इन टंकियों को लेकर अभी विभिन्न स्थलों पर रखेंगे और उसको सारे उसको भरवा के गायों की सेवा के लिए हम समर्पित करेंगे। निजला जो इगरस है उसके पर्व को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में जो है आज भी हमारे संस्कृति को जिंदा रखने के लिए कारगर कदम उठाया जा रहा है, चाहे वो पशु सेवा हो चाहे मानव सेवा, कहीं ना कहीं हमारे भामाशाह आज भी जिंदे है और उसी के कारण आज भी हमारी संस्कृति और विरासत जिंदी है। मेरे सहयोगी कैमरामैन लोकेश मालिक के साथ मैं लक्ष्मी नारायण माली सोजत पाली। तो ये थे हमारे संवाददाता लक्ष्मी नारायण माली, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी रिपोर्ट के लिए। देश दुनिया और राजस्थान की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।